दोस्तों 70 साल या उससे ज्यादा जो भी बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में इसका फैसला हुआ है। इस फैसले से 12.3 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। इससे 6.5 करोड़ बुजुर्गों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष का बीमा मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा या फिर इसके लिए कुछ कंडीशन है, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों कैबिनेट बैठक में सरकार ने कहा है कि अब 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आर्थिक स्थिति का कोई पैमाना नहीं होगा, यानी कि गरीब अमीर हर वर्ग के 70 साल या उससे अधिक के व्यक्ति को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। वे एक साल में 5 लाख रुपए तक का किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत लिस्टेड निजी अस्पताल में करा सकते हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज की लागत का पूरा या आंशिक भुगतान किया जाता है। ये योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू है। इसके अंतर्गत ढेरों सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को व्यापक बनाना और गरीबों को गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। दोस्तों आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में अभी तक सिर्फ 60 साल के लोगों को इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इसका लाभ 70 साल या उससे ऊपर के लोगों को भी मिलेगा। वैसे दोस्तों क्या आपको सरकार की इस योजना के बारे में पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।